ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी हंसी तैसी कराए। हर हर महादेव, क्या हाल चाल भाइयों। तो फाइनली मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सुबह सुबह मेरे बाल कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो बर्तन धोने वाले जूने होते हैं, बट कोई बात नहीं, नहा धो के बाल हो जाएंगे एकदम सेक्सी सेट। और ये देखिए, ये बहुत देर से देख रहे हूँ क्या हर आरा चमक रहा है। ये है हमारे घर की खिड़की, ये पीछे लगाए हमारे टीबुआ, इसमें झरने चलते रहते हैं, सारी दुनिया के कंट्री टूर चलते रहते हैं। चाय वाय हमारी आ गई है, तो आज हम जा रहे हैं कहीं किसी खास इंसान। चीयर्स। पहले व्लॉग में ही खास एंट्री, और तो वहाँ पहुँचते हैं, कौन है आप लोग जानते हैं, कमाल की चीज़ें धीरे धीरे बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए मेरे बगल में कौन है, थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये नहाई धोई नहीं है ना, शर्म नहीं आती ना झूठ बोलते हुए। बाकी लड़कियों का मैंने देखा बिना मेकअप, इन्होंने बोला भाई मैं पहले मेकअप करूंगी, टिप टॉप कपड़े पहनने हैं मेरे को, बिल्कुल रज के सज के तैयार होके बैठूंगी तब मेरे को वीडियो में डालना, वरना मेरा चेहरा नहीं दिखाना है। दिखा दिया लो। तो गाइस फाइनली नहा धो के हम रेडी हैं, और बाल बाल थोड़े से सेट हो गए, देखा सुबह के बाद बाल, अब देखो। तो भाई साहब एक घंटे के अंदर अंदर मेरा मन कर रहा था कि यार आज ना थोड़े पोहे वोहे बनाए जाए, मोहतरमा जब तक थोड़ी साफ सफाई कर रही, तो मैंने एक घंटे में पोहे बना लिए, नहा भी लिया, खा भी लिया, ऑलमोस्ट कपड़े वपड़े सारे प्रेस भी कर दिए, पूजा पाठ भी करके बैठ गया। लेकिन काम के बाद जो पूरे हिंदुस्तान की, क्या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की करती होंगे ना, खुद भी हाँ भर रही है, पूरी दुनिया की औरतें जो काम करती है, अलमारी खोल के एक घंटे इन्होंने सिर्फ ये सोचा है कि आज मैं पहनूं क्या। औरतें मुकाबला करेंगी लड़कों का, ये पोइट्री में बातें अच्छी लगती है गाइस, है कि नहीं। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें तैयार होने के लिए दो ही चीजें चाहिए, पानी और तौलिया। कॉमेडी शाबाश। ये देखो फाइनली इन्होंने पहना क्या है, वो देखो नाइट सूट। मुझे दिखाओ, एक बात बताओ। देखिए डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा खूबसूरत है। तुम खूबसूरत हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है सजने संवरने की, लेकिन हम लड़कियों को होती है, हमें एक इनर कॉम्प्लेक्स रहता है कि कोई हमें देख रहा है, और जो हमें देख रहा है उसको हम सुंदर लगने चाहिए, तो उस लिए हमें टाइम लगता है। ये भ्रम कब टूटेगा कि तुम लोगों को देखता है? तुम नहीं देखते मुझे, तुमने मुझसे शादी क्यों करी, मतलब मुझे जानना है तुमने मुझे क्यों पसंद किया। तुमको मैं खूबसूरत नहीं लगती, तुमको मैं समझदार नहीं लगती, तुमको मैं काम की नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी करी क्यों? मैं 11 हवन कराऊंगा अपने पापों का प्रायश्चित के लिए। कोई बात नहीं, अब तो हो गई भाई, क्या करें। तो गाइस क्या कह रहा था मैं, भूल गया। लो भाई बालको, हम निकल गए हैं, ठीक है। ये देखो ये मोहतरमा कैसे तैयार हो के आई, तुम्हें लग रहा होगा ना तुम हुसन परी लग रही हो आज, मिट जाएगा वहम जब कोई नहीं देखेगा तुम्हारा। दादा हाय बोल लो। ये मुंबई में ऐसे खड्डे हैं जैसे ऊंट के ऊपर बैठ के चल रहा है ऐसे। दो हिंट दो, किससे मिलने जा रहे जल्दी से। तुम रहने दो, तुम मेरा व्लॉग खराब करोगे। ये बहुत हैंडसम लड़का है, इतना बता सकते हो। हाँ हैंडसम है, और दाढ़ी मूछ नहीं रखता है ज्यादा, बड़ा स्वैगी सा है, समझ रहे हो। जाओ मैंने इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता हूँ भाई आप लोगों को। चलो गाइस, 2 ईयर एनिवर्सरी नवंबर में हमारी शादी को, एक साल हो जाएगा, और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो तुमको दिलाना पड़ेगा। कितने का आता है वो? करीबन 1.5 लाख का। इतनी आराम से? नहीं नहीं आगे से भी है दादा, आगे से भी ना। हाँ हाँ, ये यहाँ से घुमा दो, चलो घुमा दो, दुनिया भर के कट है वैसे। तुम इतना कमा रहे हो किसके लिए? बीवी के लिए ना। अपने लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, मुझे बंगलो खड़े करने। तो जब बच्चे होंगे तब देखा जाएगा। नहीं नहीं अभी से सोचना पड़ता है भाई, 1.5 लाख रुपए मजाक है क्या? 2 दिन की कमाई है मेरी, पागल। इनकम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम व्लॉग्स में, क्योंकि माना मेरे दोस्त इनकम टैक्स में है, लेकिन
मारते हैं। हाँ, छापा वो मार देते हैं क्योंकि ये दोस्त ही सबसे बड़े हरामी होते हैं, उनको ही ज्यादा पता है कहाँ तिजोरियाँ बनी हुई है। इसलिए मैंने हाँ। So guys, अभी हम आ गए हैं, कहाँ है? पहले तो इनसे मिलो। एक तो लाइटिंग का बड़ा पंगा है, मैं गलत बैठ गया क्या? भैया हमेशा ऊपर रखता है, सीखो पहले। भाई अभी मैं सीख रहा हूँ, देखो अभी ठीक है। हमारे डॉक्टर अरविंद साहब, जब मेरा तन मन धन सब अकड़ जाता है तो यही हमारी हड्डियाँ चटकाते हैं। आवाज पहुंच गई तुम्हारी। यहाँ पे देखिए अमीरों वाला खाना खाया जा रहा है। कितने के हैं चिप्स? 350 ये भैया। क्या ये? नाचोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाचोस। इसको 3 डिप चिप्स। ओह माय गॉड, 3 डिप चिप्स। 10 रुपए के आते हैं नाचोस, उसके ऊपर दही डाल के दे दिया इन्होंने, 750-800 रुपए ले लिए और, है ना? भाई सोचो, दुनिया ने सब्सक्राइब कर लिया पर ये आदमी जिसको पता है कि बंदे ने चैनल वैनल खोला वो नहीं कर रहा, बोल बोल के सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है। करो जल्दी, इतना मिलियन थोड़ी हो गए कि मिल जाऊंगा, ढूंढते ही टाइम लगेगा थोड़ा, रुको। ये रहा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा। तो गाइस ये हो गया, दिखाइए ये सब्सक्राइब। बहुत मुश्किल है भाई ब्लॉग बनाना, बहुत मुश्किल। तो उसमें डाल सकते हो कि भैया ये हमें सिखाने, स्पेशली दुबई में अरविंद साहब दुबई रहते हैं, बट इन्हें जैसे ही पता चला कि मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ तो दुबई से स्पेशली मुझे समझाने आए हैं कि मत करो। कि इन्होंने मुझे बोला है कि जैसे 5,000 व्यूज़ के ऊपर मैं इन्हें iPhone 15 दे रहा हूँ, ऐसे ही अगर 1,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए तो मुझे तो iPhone 15 दो। रियल वाले वो भी टाइम ड्यूरेशन, टाइम लैग दो कि इतने टाइम में होंगे तब। हाँ, तुमको फेक नहीं लो लगे तो उसको क्या बोलते हैं? चलो टाइम दे दिए बच्चों को, 1.5 हफ्ता, चलो 2 हफ्ते दे दो, 2 हफ्ते में 1,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दो, फिर ये मुझे iPhone 15 देंगे। ठीक है, 2 हफ्ते में, और वही 15 में इनको दे दूँगा, मेरा भी काम हो गया तुम्हारा। तो कैफे में बैठे बैठे बोर हो गए थे हम लोग, तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? बीच पे, बीच के बीचों बीच जा रहे हैं हम लोग। कहाँ गया वो? ये रहा, आज हम अरविंद को धक्का देंगे समंदर में। वाह, इतना पुण्य का काम करेगा। विसर्जन है ना आज तुम्हारा? अरे कर दे यार विसर्जन, आज अरविंद का विसर्जन करेंगे हम। ये देखिए व्यू, देखिए आप लोग से अच्छा सुकून में स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम्हें पक्का है तुम स्वर्ग जाओगे? हमें तो ऐसा लगता है, जब हम जाएंगे ना, हम लोग जब जाएंगे यमराज कहेगा तुम्हें आना तो यहीं था, कुछ ढंग के काम खराब कर लेते। ये देखिए, चलो फरारी के पास चलो, हॉर्स पावर। मैं इसीलिए इसको कभी साथ में लेके नहीं जाता हूँ, जहाँ भी जाती है मेला फोटो खींच दो, मेला ये कल दो, मेरी वीडियो बना लो, ये तरीका है भाई साहब। बट व्यू बहुत प्यारा है यार। तो गाइज मैं आ गया हूँ वर्सोवा बीच, और जब भी मेरे को, मतलब मैं वर्सोवा में 6-7 साल तक रहा हूँ, और जब भी मेरे को लगता था कि यार मैं इधर वर्सोवा में था भाई 6-7 साल तक, अब जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन जहाँ शिफ्ट हुआ ये बताऊँगा नहीं। तो जब अकेला फील होता था, मुझे लगता था यार चलो कहीं बैठते हैं, थोड़ी मन की शांति मिल जाए, अकेला फील होता जो होता है, तो मैं यहाँ आके बैठ जाता था हमेशा। पर व्यू गाइस, जब से मैंने ब्लॉग चालू किया है ये लोग पता नहीं क्यों मेरे से ज़्यादा दोस्ती करने लग गए हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा दोस्ती करीबी बढ़ा ली इन लोगों ने फुटेज के लिए। इनको लोग लगता है जाओ, अरे हट जाओ, साइड हो जाओ, कौन अरे किसके बच्चे, लेके जाओ इनको। ये लोग जब से आए तब से इनका फोटोशूट चल रहा है, भगवान कसम, कभी वीडियो कभी फोटोशूट, इसीलिए गरीबों के बच्चों को कभी साथ नहीं लाना चाहिए। ये देखो भाई ब्लॉगर हो गया परेशान, ये ब्लॉगर का भाई साहब बहुत दिन से जाम थी।
हुआ कुछ, आराम मिला? अरे एकदम हल्का फील हो रहा, इसी काम के 1000 रुपए ले लेता आदमी। पैसे लगा हुआ हूँ मैं अभी, इसको एक परमानेंट फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, एक परमानेंट फोटोग्राफर चाहिए, दो चार बंदे चाहिए जो कि फ्री हो, एक ब्लॉग चलेगा। एक ही ब्लॉग में मेरा फ़ोन फुल हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई है। मैंने अभी फ़ोन करके घर से अपने छोटे को बुलाया दूसरा फ़ोन लाने के लिए। वाह गाइस, जिससे मिलने आए थे आ गया है, ये देखिए, ये रे सरप्राइज। क्या है भाभी, क्या है भाभी? हेलो मालिक, तुम चीफ गेस्ट हो मेरे व्लॉग में आज। चलो 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 गाइस, मिलते हैं आगे। अब तो गाइस ये था सरप्राइज, मेरा प्रा आया मेनू मिलन, ये एक घंटे दूर से आए हम, एक घंटे दूर से, और मैं एक घंटे बाद मिला हूँ भाई, माफी। अरे कोई बात नहीं, हमने भाई 2-3 कप कॉफी, पास्ता, मैगी, गोलगप्पे सब पेल सब पेल दिया भाई। दिख रहे हैं इसलिए चटोरी औरत साथ लेके चल रहे हैं ना भाई। तुम ना मेरी बात सुनो, ये मुझे मत फंसाया करो भाभी के साथ, ये हो जाता है। उस दिन में कह रहा है ये बंदी मेरे घर कंपनी में किचन में पास्ता बना रही है। अरे गर्लफ्रेंड ऐसी होती है, मैंने नाम रख दिया बीवी, सही है ना भाई? तो ये कई लोगों को लगता है मेरी शादी हो चुकी है, तो गाइस ये गलतफहमी, वो अफवाह उड़ाई थी मैंने ऐसे ही, अभी शादी नहीं, अभी गर्लफ्रेंड ही है। अच्छा, प्री वेडिंग फोटोशूट जो कराए थे वो सब बस क्या बोलते हैं, स्टंट था। पॉपुलैरिटी लेने का, बट वो पॉपुलर नहीं हुई इसलिए। हां वो स्टंट था वो। मेरी गल सुनो सारे, मेरा भरा भी आया हुआ है, ठीक है, भाभी साडी बहुत बढ़िया है, उन्हां दा कोई मुकाबला नहीं। अज जिन्नी फालतू दी रूमर है ना, मैं कह रहा भाभी दा कोई मुकाबला नहीं है, ये तो वंदे मातरम। तो गाइस सरप्राइज, पैसों की दिक्कत और ट्रेंड के चलते हमने व्लॉग शुरू कर दिया पैसों की दिक्कत की वजह से। अब मुझे पता चला यूट्यूब में लोग करोड़ों लाखों कमा रहे हैं भाई। भाई हमने भाई ये कब से प्लान हुआ कि अब से व्लॉगिंग करनी, यार ये है ना पीछे बैठी, कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो, वो भी कर रहा है वो भी कर रहा है, मगर ये भी कर लेते हैं भाई, ये लो अब देखो। मतलब मान लिया कि भगवान की दया से इतना बड़ा अमाउंट है, 132 सब्सक्राइबर हो गए भाई। अभी देख रहे हो, जब 1,32,00,000 होंगे तब बोलोगे ये बात है ना। फिर यार तुम लोग 1000 पार करवा दो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी 1000 के बाद कितने होते वो तो कर दो यार जितने हो सके, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूबर 132 लोग शगुन को फॉलो कर लो, जाओ इंस्टाग्राम पे, शगुन के 400,000 लोग मुझे फॉलो कर लो, बराबरी होनी चाहिए। हे गाइस, रात को हम लोग घूम रहे हैं, बारिश कभी भी हो जाती है, तो अभी हम आ गए जुहू। हम लोगों के पेट में गुड़गुड़ हो रही थी तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, वैसे तो सुबह से ही चल रहे हैं भैंस की तरह, पर फिर एक बार मन हो गया क्या। ओ भाई साहब, भाई फोटो खींच ली भगवान ने हमारी, बढ़िया लाइटिंग, ये भगवान ने खींची है, पुलिस वालों ने भाई सिग्नल तोड़ा गया अपन ने, नहीं भाई ये। और बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है, मैंने सुना है जो बिल्कुल काले जड़ ब्लैक, वो जो मनी वाले सांप होते हैं शायद, उनके ऊपर बिजली गिर जाती है, या जो रावण के वंशज होते हैं उनके ऊपर बिजली गिरती है। तुम तीनों लोग मेरे से दूर चलना, ये थ्योरी है भैया आपकी। आ जाओ, बारिश हो रही है, आ रहे हैं। इस आदमी ने जब से व्लॉगिंग का कैमरा शुरू किया है बीवी को पीछे छोड़ देता है पता नहीं क्यों। अरे कामयाबी के बाद बहुत मिलेंगी। देख रही है मेरा मूल मंत्र है सक्सेस, कामयाब होने के लिए आपको ये आना चाहिए, कुलचे छोले खाना, गोल्स गोल्स होते हैं एंड मोटिवेशन एंड गोल्स, व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड, जब आपको जिंदगी में जो चीज़ करनी है जो पानी है तो वो पाने ही। अगर आप डाइट कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो जस्ट डू इट राइट। बाकी कि आप किसके लिए अच्छी रहे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रहे, तेल तैरता हुआ रहे, और तो गाइस ऑलवेज ईट हेल्दी फैट फूड, दैट्स द स्पिरिट। चक दे पट्टे, प्याज दे कट्टे। और दूसरी चीज गाइस, फोन कैमरा घुमा के फिर दिखा दो सारी ब्यूटीफुल लेडीज को, अगर वो हेल्दी खाना खाएंगी तो कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएंगी। अभी अभी दिखा रहा हूँ, ये लो, अपने ऐसे क्यूटनेस पे लाओ, ये पंजाबी मोनी दी, सारे सारे डिंपल चले गए। ये देखिए हमारे कजन भाई, ये आदमी 24 घंटे फोन में लगा रहता है। तुम्हारे घर तो बेटा रेड पड़ेगी एक दिन, इनकम टैक्स वाले तो मेरे साथ रहते हैं। ये देखा गाइस, किसी के यहाँ करवा नहीं, तो बता दो ये सीबीआई की रेड है, सब अपना अपना काम बंद करिए, चलिए काम बंद करिए। नहीं नहीं मैं दूंगा 2-3 लोगों के नंबर, टेंशन मत लो, भी कहा हटाओ
कुलचे छोले पे ध्यान दो। बस सही बात है, छोले भाई आ गए, छोले कुलचे। ये इन दोनों ने जो ये गंद मचाया है भाई साहब, ये सब इन्होंने खाया है। ये आदमी झूठा है, पेट देख लो इसका, क्या बात है। ये मालिक है, बिल ले आओ भाई सौ साहब चैनल के, जिसमें 500 मिलियन होने वाले। ये गिफ्ट मिला है, इसमें बटर, आधे में बटर भरा हुआ सर जी, हमारे तरफ से गिफ्ट, हमारे तरफ से गिफ्ट है। पैसे तो नहीं मांगोगे ना? पर भाई कसम से हंसराज हंस लग रहे हो। मेरी तो मजबूरी थी, जिधर जो उगता गया उगता गया। भाई बोल भाई, जैसे ही भाई को पता चला हम लोग टीवी पे आते, इन्होंने डिस्काउंट कितना परसेंट है भाई बताओ? 10%। हाँ जी, हाँ जी। और 10% इनकी खूबसूरती पे 20%। ये क्या कहना चाहते हैं भाई? पूरे 1000 रुपए में 100 रुपए छोड़े हैं इन्होंने। अब कोई ये ले लिया हमने, अब जाएंगे चटकारे मारते हुए। चलिए हाँ हाँ, प्लीज लीजिए लीजिए, फोटो वोटो खिंचवा लीजिए। भाई हंसराज हंस आपके कितने फैंस हैं? एक बार वो गा देते यार, जे तो सिल्ली सिल्ली आउंदी है, सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा। थैंक यू भाई, भाई बड़ी मुश्किल से पेट क्रॉप किया तुम्हारा। सो मच गाइस, इस तरीके से आज हमने किया है पहला व्लॉग शूट और बहुत मजा आया भाई। मुझे सच में, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना मजा आ जाएगा, बट मजा आया और बहुत सारी चीजें सीखी। छोटी मोटी गलतियां हो गई होंगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे गाइड करें, थोड़ा बताते रहना बीच बीच में, कमेंट में बता देना कुछ चीजें चेंज करनी हो या आप लोगों को लग रहा हो कि भाई इस तरीके से और अच्छा हो सकता है। बाकी कमेंट लाइक शेयर में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे कहने पे मैं लाइफ में पहली बार व्लॉग वगैरह चालू कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं हंस हंस के पागल हो गया था और कई पंचेज ऐसे मार दिए यार, मुझे लग नहीं रहा था मैं ऐसा कर दूंगा। बाकी तुम्हारा भाई बैठा है, मार दो बोली सकते। चलो बाय बाय, थैंक यू, अगले व्लॉग में मिलते हैं कुछ खास।